ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे भाई वाह, आज तो सुबह ही सुबह हाथ में खुजली हो रही है, लगता है किस्मत की घंटी बजने वाली है। इतनी जोर की घंटी बजी। ओहो, ये तो गेट पे बजी है। देखिए आइए 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 आइए। सरकार, लगता है आजकल कारोबार अच्छा नहीं चल रहा। अरे बाबा, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है बाबा हमारा तो। अच्छा, मैं समझा शायद कर्जा इतना चढ़ गया है कि कर्जदारों से बचने के लिए बार बार इधर आ रहे हैं। लो, ओ मैं तुम्हारे सेठ हशमत की तरह थोड़ी हूँ कि वो कर्जदारों से भागता फिरे। अरे मौला दाद जरूरतमंद को कर्ज देता है, लेता नहीं है। बात सुने मेरी, मैं भी एक बहुत जरूरतमंद लड़का हूँ, मेरे छोटे छोटे वालदैन है, मुझे भी थोड़ा अगर कर्जा मिल जाए तो। अच्छा अच्छा अच्छा, बात सुनो, मैं जरूरतमंदों को कर्ज देता हूँ। बच्चू भाई का कहाँ जिक्र कर दिया आपने, बच्चू भाई से याद आया, आप ड्राइंग रूम में बैठे, मैं बच्चू भाई को उठा के लाता हूँ, आइए आइए आप उधर बैठे। हाँ इधर बैठे बच्चू भाई, बच्चू भाई, बच्चू भाई। बच्चू आज तो कोई मेहमान ना आए घर पे, संडे का दिन है, मैं बस आराम करना चाहती हूँ आज। ठीक है बाबा, वैसे भी कौन मेहमान आ रहा है बाबा, और आपने कह दिया है तो आएगा भी तो बाहर निकाल देंगे बाबा उसको। अरे बाबा कौन आ गया इस वक्त? जानी खैरियत? हाँ बाबा, कैसे आना हुआ तुम्हारा? एक बात याद रखना बाबा, कोई मेहमान ना आए आज, और अगर कोई आ भी जाए ना तो उसको बाहर निकाल देना। बाहर निकाल दू? हाँ बाबा बाहर निकाल दो, आज सीमा को आराम करना, आज मेरी बीवी किसी की खातिर नहीं करेगी। जैसे आपकी मर्जी, बाद में फिर रोइएगा मत। अरे बाबा बाद में रोने की क्या बात कर रहे हो, ये बच्चू की बात है बाबा, बच्चू की बात पत्थर पे लकीर होती है, पत्थर तो टूट सकता है लकीर नहीं मिटती है। अच्छा ठीक है, कहाँ जा रहे हो? पत्थर तोड़ने। जाओ बाबा जाओ तोड़। अरे बाबा जानी। जी सरकार। अरे बच्चों को बुलाने में इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? चलो चलो उठो 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 उठो, चलो उठो निकले। अरे बाबा क्या बोल रहा है, तो बच्चों को पता चला ना दो। बच्चू नहीं तो कहा है भगा दूं मैं आपको। भगा दो उनको? अरे बाबा किसके साथ? खातून तो अब जाने से रही, मलकुल मौत से ही काम चलाना पड़ेगा, उन्हीं के साथ जाना पड़ेगा इस उम्र में। बाबा क्या बकवास कर रहे हो, इतनी हिम्मत बच्चों की? बाबा साहिब आप कब आए? कब आए मत पूछो, क्यों आए ये पूछो। क्यों आए? अरे बाबा जरीना तुम भी भाई की तरह रंग में रंग गई हो क्या? उसके रंग में आजकल फारिग है ना, इसलिए रंग गई। अरे बाबा सही आप? अरे बाबा जा रहा हूँ मैं बस, अब ये दिन रह गए थे देखने को बाकी ना। मगर हुआ क्या है बाबा? ये जानी कहता कि निकलो साहब के घर से। अरे बाबा जानी इतनी बदतमीजी, वो भी बाबा सही से। अरे बच्चू इसमें जाने का क्या कसूर, आप ही ने तो कहा था इसे। अच्छा बाज बेटा, अब तो तेरी बीवी भी गवाही दे रही है। अरे नहीं नहीं बाबा सही, वो असल में सीमा ने कहा था कि। अच्छा यानी बहू भी मेरे खिलाफ हो गई है? बाबा बाबा सही तो पहले से ही आपको पसंद ही नहीं करती थी। ठीक कह रही है वैसे। जाने क्या पक रहे हो? अरे साहब मुझे लगता है कोई गलत फहमी हो गई है। अरे बाबा हाँ ना, मैं नहीं कहता था कि कोई मेहमान ना, ये तो बाबा सही है, बाबा इस घर के मालिक है। अरे ये मालिक है तो मैं एम ही आपकी इतनी इज्जत कर रहा हूँ। जानी बकवास बंद करो बाबा। बाबा सही माफ कीजिएगा, थोड़ी सी कंजूसन हो गई। हाँ भाई बरतानिया में 500 अंग्रेज मर गए। धमाका हुआ तो आपकी अंग्रेजी का धमाका सुन के। बच्चू कंजूसन नहीं कंफ्यूजन ये चीज। मगर बाबा सही आप यूँ अचानक सब खेरे? बस बाबा तुम लोगों की याद आ गई, सोचा बस यूं चला हूं। अरे साहब आप भी कहां इन लोगों की बातों में आ गए, आइए आइए सर आंखों पे सर आपसे बढ़ के, आइए 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 आइए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
अरे बाबा, ये नौकर ना होता ना तो किसी मुल्क का वजीर जरूर होता, भले इसका बादशाह होता नहीं होता। बाबा सही, आज आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, आपने खाना भी सही तरीके से नहीं खाया बाबा। बस जनाब, चार चपातियां, दो चावल की प्लेटें, चार कीनू, एक दर्जन केले और चार प्याले खीर के खाए बस। जाने ही, तुम क्या मेरे बाबा सही के निवाले गिनते हो? बाबा सही, तबीयत तो ठीक है आपकी? सही कह रहे हो बच्चू बाबा, वो परसों बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट से होते होते बच गया बाबा। जाने क्या बदतमीजी है ये? बाबा सही, एक्सीडेंट? हाँ बाबा, बाबा उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी तो बाबा कभी भी खत्म हो सकती है। बाबा सही, इसका मतलब आप जायदाद का बंटवारा करने आए हो? बाबा सही, वो जो बड़ा है ना गांव वाला, बड़ा वाला बाबा, वो मेरा होगा। बाप अभी मरा नहीं है और औलाद पहले 40 में का मेन्यू डिसाइड कर रही है। वाह। अरे बाबा, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? मैं तुम लोगों की वजह से यहाँ आया हूँ और तुम लोगों की दौलत की पड़ी है, बात की कोई अहमियत भी होती है? वैसे देखा जाए तो बात इनकी ठीक भी है, शराई तौर पे और अखलाकी तौर पे ठीक है, उल्टा आप ही को सवाब मिलेगा। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। अच्छा, तो फिर मैं मौलवी और कफन दफन का बंदोबस्त करता हूँ। हाँ, कफन? हो, मेरे मुंह से निकल गया, मेरा मतलब है मैं वकील और कागजात का बंदोबस्त करता हूँ। मेरा एक दोस्त है वकील, बड़ा अच्छा, वो वसीयत बहुत अच्छी बनाएगा। हाँ भैया, आज मेरी याद कैसे आ गई तुम्हें? अरे यार, इसको बता दिया सच तो उसको भी देने पड़ जाएंगे। वैसे चल, इसको बेवकूफ बनाता हूँ। अबे क्या सोच रहा है, मैं राइटर हूँ, सोचने का काम मेरा है। असल में ड्रामे में ना मुझे रोल मिला है नौकर का। अरे यार, ड्रामे में भी नौकर? मैं कौन सा कोई टॉम क्रूज हूं जो मुझे हीरो देंगे वो? अबे यार चुपते ना मार। अच्छा बता क्या करना है भाई? एक सीन लिखवाना है, एक अमीर बूढ़ा मौलादात अपनी सारी जायदाद जानी नामी नौकर के हवाले कर देता। अबे क्या एक ही सीन का ड्रामा है? अबे नहीं नहीं, सीन एक नहीं है, सीन तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये सीन राइटर को समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा टेंशन ही ना ले, मेरे पास एक बड़ा जबरदस्त राइटर मेरा दोस्त है, उससे मैं लिखवा लेता हूँ। भाई देखो, दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा, है ना? अरे यार, तुझे मेरी कितनी फिक्र है। चल मैं एक काम करता हूँ, तेरे लिए ना एक जबरदस्त सा सीन लिखता हूँ। देख, वसीयत का सीन है, स्टैम्प पेपर याद से लाना। वो क्यों? अबे वसीयत लिखनी है क्या तुझे? पार्टी लिखवानी है उसके अंदर? अबे स्टैम्प पेपर इसलिए चाहिए। अब मैं बता, तू लिखना क्या? बस एक दफा तू मुझे अमीर होने दे, फिर भाई की फरौनियत चेक करवा। अबे यार, तू तो अभी से फरौन बन गया। सब बातें छोड़, ये बता कब दे रहा स्क्रिप्ट? अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, मैं यूं गया और यूं लेके आया तेरे लिए। चल शाबाश शाबाश, ओके बाय बाय। पापा साहब, मेरी बकरियां कैसी है? बाबा बकरियां तेरी ना तेरे को बहुत याद करती है। मैं भी बहुत याद करती हूँ। बाबा अब मैं जाऊंगा ना तो फिर वहां से एक तुम्हारी पसंद की बकरी लेके आऊंगा तुम्हारे लिए। पापा साहब, पर अगली बार आप कैसे आएंगे? क्यों? वो आप जो वसीयत लिखवा रहे हैं। अरे बाबा, वसीयत लेकर आके गांव जाऊंगा, कोई खुदकशी थोड़ी करूंगा, वापस तो आऊंगा ना। नहीं नहीं बाबा साहब, मेरा मतलब ये नहीं था। अरे ना बाबा, आजकल का तो दौर ही ऐसा है, औलाद माँ बाप पर नजर रखने के बजाय उसकी दौलत पे नजर रखती है ना। नहीं नहीं बाबा साहब, बाबा साहब ऐसी बात नहीं है, मैं तो आपकी लाडली बेटी हूँ ना। बाबा जब भी तो मैं तुम्हारे पास आता हूँ ना। बाबा एक बात कहो। हाँ बोलो बेटा। बाबा साहब, वो आपका आम वाला बाग है ना, वो आप मेरे नाम कर दो, और दो साहब को तो आम वैसे भी पसंद है। क्या? कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। ए बाप का माल है क्या? इतना अकड़ रहा तू, सीधा घर जाना अपने। चलो शाबाश, चलो कर रहे हैं। हाँ चलो चलो सीधा बैठे यार। शेर यार भाई, यहाँ बैठो, बैठो उधर गाड़ी में बैठो। शाबाश। अरे जानी भाई हटे इनको मैं। नहीं 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 यार, बैठ ना, बैठ 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 बैठ, गुस्सा ठंडा कर। चल 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 चल। अरे जानी भाई छोड़े मुझे। चल मैंने छोड़ दिया, जा मर। पिट के आगे बोलना नहीं मुझे कुछ, तू आ नहीं बचाऊंगा मैं तुझको। एक तो जान बचा रहे ऊपर से ये, ओह एसी चल रहा भाई, वाह वाह वाह।
अरे बाबा ये जानी कहाँ रह गया है? वो वकील के पास गया बच्चू। बाबा वसीयत तो बाबा जानी ने लिखवानी थी, ये इतना टाइम लगा रहा है, ये कहीं जानी तो वसीयत नहीं लिखवा रहा है। ओहो बच्चू, एक तो वो आपके बाबा साईं की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर रहा है और। अरे बाबा सीमा ऐसे तो मत बोलो, बाबा का आखिरी ख्वाहिश नहीं है, वसीयत करवा रहे, वसीयत। बच्चू एक गिलास पानी फटाफट पकड़ लो। बच्चू कहाँ जा रहे हैं आप? अरे बाबा बहुत बदतमीज हो गया, मुझे नौकर समझा हुआ है इसमें। माफ कीजिएगा, वैसे पानी पिलाना तो सवाब का काम होता है, तो मैंने सोचा मरते मरते कोई सवाब का काम ही कर जाए। शट अप जानी, बच्चू नहीं इसके बाबा साईं मरने वाले हैं। ऐसी औलाद होगी तो मरना तो बनता। अरे बाबा क्या हो गया आप लोगों को, मेरे बाबा साईं के पीछे क्यों पड़ गए? बाबा वो वसीयत कर रहे हैं, बाबा आखिरी ख्वाहिश नहीं पूरी कर रहे, और बाबा वो भी आपके भड़काने पे कर रहे हैं बाबा वसीयत। वैसे ये बताओ बाबा साईं है कहाँ? पता नहीं बाबा, कहीं बार बार होंगे। एक काम करता हूँ, मैं खुद ही देख के आता हूँ। पानी भी पीते जाओ पापा, फिर बोलोगे बच्चू पानी पिला। अब 100 एकड़ जमीन में अपनी बेटी जरीना के नाम पर करना चाहता हूँ, और गांव के जितने बागात है ना वो अपने बेटे बच्चू के नाम करना चाहता हूँ, और शहर का मकान और बाकी जायदाद अपने वफादार नौकर के नाम करता हूँ। अरे बाबा तेरे को कैसे पता चला कि मेरा वफादार नौकर कौन है? वो अपने बच्चों साहब, उनका जो वफादार ईमानदार दयानतदार जो नौकर है जानी, उसकी बात कर रहा हूँ। मैं दौलत को आग लगा दूंगा लेकिन तेरे को कुछ भी नहीं दूंगा। आग लगाने की क्या जरूरत है, दौलत मेरे नाम कर दे, आग मैं खुद लगा दूंगा। अरे बाबा तू बकवास करने आया है इधर? बाबा साईं आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देख नहीं रही अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर रहे हैं। अरे बाबा इसका मुंह बंद कराए कोई। अरे बाबा सही, इसी का मुंह बंद कराने से अब भला क्या होगा, आपने सारी जायदाद इस नौकर के नाम जो कर दिए। अरे नौकर नहीं साहब, कहने की आदत डाले। जी जानी साहब। अरे बाबा ये बकवास किए जा रहा है, तुम सुनी जा रही हो? सही कह रही है, मैं तो मजाक कर रहा था। इतना घटिया मजाक करते हैं? बचपन से मैं बंदा देख के मजाक करता हूँ। हाँ ये हल लेता, इस नौकर के गरीब के नाम कुछ नहीं करना बाबा, खुदा का वास्ता है। तुम तो कह रहे थे मैं यूं गया यूं आया, और कहां गया वो सीन? अबे यार जानी वक्त लगता है, कोई आसान काम थोड़ी है ड्रामा लिखना। ये बात तुम्हारी भी सही है। अच्छा इस वक्त ना मैं किसी और काम के सिलसिले में आया हूँ। अच्छा बोल अब क्या काम है? भाई ड्रामे में तुम्हारे लिए भी एक रोल है। मेरा? हाँ हाँ। भाई मैं राइटर हूँ, मैं कोई रोल वोल नहीं कर रहा। अरे नहीं नहीं तुम कर लोगे, वकील का तो रोल है, बस फाले पकड़नी आराम के साथ बेहतरीन कर लोगे तुम। अरे यार कहां से तुझे मैं वकील लग रहा हूँ? अरे भाई तुम कर लोगे मुझे पूरा यकीन है, दोस्त की खातिर इतना नहीं करोगे क्या? अरे जारी बात तो सुन मेरी यार, तू कर लेगा। भाई काम करता हूँ, कल जो है ना शाबाश तैयार होके लोकेशन पे पहुंच जाना, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा तुझे, ठीक है? अरे चल तुम बस। अरे मेरी जानी, अबे यार बेटे ने बाप को चाय में जहर देके कत्ल कर दिया सिर्फ इसलिए कि उसने जायदाद में उसको हिस्सा नहीं दिया। ये ले बाबा सही आपके लिए गर्मा गर्म चाय। अब नहीं बच्चू बेटा, चाय पीने को मेरा दिल नहीं चाह रहा। क्या बात कर रहे हैं बाबा सही, आप तो इतनी चाय पीते हैं गांव में, आपकी वजह से पति खत्म हो जाती है। देखो बच्चू बाबा वो चाय जो है ना नुकसानदायक है ना, तो बस दिल करा के मैं छोड़ दूं इसको। अरे बाबा से ये क्या बात कर रहे हैं, सुबह से छोड़ दी बाबा, सुबह से आप चार प्याली पी चुके हैं। बाबा फिर जो है ना मैंने सुबह से बस चाय पीना छोड़ दिया है ना, बस अब मैंने छोड़ दिए तो छोड़ दिए बाबा। ये पिए बाबा जी, मैंने अपने हाथों से बनाई, आपको पीनी पड़ेगी बाबा से। देखो बच्चू बाबा इतनी जल्दी क्यों मारने की? अरे अरे बाबा, अरे बाबा सही चाय तो पी लेते। बेटा बस एक रात की बात, कल सुबह बुड्ढा सारी दौलत तेरे नाम कर देगा, फिर मैं शहर का अमीर तरीन आदमी बन जाऊंगा। बंगला, गाड़ी, बैंक, बैलेंस। बैलेंस से याद आया, मोबाइल में तो बैलेंस ही खत्म हो गया। चलो जायदाद एक दफा मेरे नाम होने दो, सारी मोबाइल कंपनियां खरीद लूंगा, गाड़ी के शोरूम खरीद लूंगा, और एक एक करके सारी गाड़ियां मैं खुद चलाऊंगा। जानी हाँ? ये अचार का ढक्कन खोल दो। खुल गया शोरूम ढक्कन का। शोरूम? क्या अचार का भी शोरूम होता है? इंसानों का तो शोरूम होता है, टाइम हो तो चलो किसी दिन। जानी क्या तुम मुझे घुमाने लेके जाओगे? घुमा के नहीं, जमा करा के लाऊंगा किसी दिन। मैं भला कहते नहीं खूबसूरत हूँ? मैं उसी शोरूम की छत से ना छलांग लगा के खुद कुछ कर लूंगा। हाँ बाबा, तो फिर तुम भी बाबा साईं की तरह ना अपनी वसीयत करते जाओ। दो हाफ पैंट,
दो फुल कोट, ये है मेरी टोटल जिंदगी। आ, मैं तो भूल गई थी कि तुम गरीब नौकर हो, औकात में रचो बर्तन धो। इस मुंह पे इतने नखरे, फसल से जरा सी खूबसूरत होती तो क्या हाल होता। नौकर? तुम दोनों बहन भाइयों को अगर मैंने अपने बंगले में नौकर ना रखा ना, तो मेरा नाम भी मुस्तकबिल का सेठ जानी। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। वैसे बच्चू, क्या लगता है तुम्हें? क्या लगता है? नहीं बाबा, बोलो कैसा लगता है। अच्छा, तो कैसा लगता है बच्चू? अरे बाबा, ये मैं खुद से कैसे बता सकता हूँ कि मैं कैसा लगता हूँ? ये आप बताओ ना, मैं कैसा लगता हूँ? अरे बच्चू, मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या लगता है कि पापा साहब तुम्हारे नाम क्या क्या करेंगे? अच्छा बाबा, तो ऐसा बोलो ना। ऐसा क्या मतलब? अरे भी खुद ही तो बोला कि ऐसा बोलो, तो मैंने बोल दिया। अरे बाबा, मेरा मतलब है कि मुझे क्या पता बाबा साहब क्या करेंगे। बाबा साहब को तो अक्सर पता ही नहीं चलता है कि वो कब क्या करेंगे। जरीना ना बहुत तेज है बच्चू, वो सब कुछ अपने नाम करवा लेगी। अरे बाबा, तो क्या हुआ, मेरी बहन है, उन्हें दोस्त के नाम, उसके नाम हो, मेरे नाम हो, एक की बात। तुम कुछ भी नहीं समझते, बस मैं जरीना का नाम कुछ भी नहीं होने दूंगी। अरे बाबा, मैं क्या कर सकता हूँ, जो करेंगे बाबा साहब करेंगे। तुमसे लगता है मुझे जाने से ही मदद लेनी पड़ेगी। जा रही हो बाबा, सो जाओ। आ रही हूँ, आप सो जाए आराम से। जानी, जानी, तुम यहाँ बैठे हुए हो? मैं बैठा हुआ का, मैं तो लेटा हुआ था, आपको देख के खड़ा हुआ। अगर खड़े होना ही है तो मेरे हक में खड़े हो। अरे भाई, लोग अपने हक में बिठा रहे हैं, आप कह रहे हैं खड़े हो जाओ। जानी, तुम्हें नहीं पता जरीना बहुत तेज है, देखना वो सब कुछ अपने नाम करा लेगी। तो सब कुछ उसी के नाम तो है? नहीं, मैं बच्चों के पापा साईं की जायदाद की बात कर रही हूँ। तो इसमें मेरा क्या वादा? क्या मतलब? अब मेरा मतलब आपका क्या वादा? जो बच्चों का है वो मेरा है जानी। जरीना बीबी भी बकवास मत करो अपनी, बस कुछ ऐसा करो कि सब कुछ ना मेरे नाम हो जाए। मैं मासूम सा आदमी, भला क्या कर सकता हूँ? अरे वो तुम्हारा दोस्त है ना वकील, उससे बात करो, कोई हल निकालो। अच्छा ठीक है, मैं अपने रूप पे पत्थर रख के आपकी खातिर कुछ करता हूँ। चले आप जाए। हाँ, मैं दोबारा कुछ याद से कर लेना। मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। सुबह ही करेंगे। अरे बाबा जरीना, तू यहाँ बैठी है, सब खैर तो है? आधा नींद नहीं आ रही। अरे बाबा, क्यों नहीं नींद आ रही है? अच्छा सब छोड़, ये बता बाबा, बाबा साईं अपनी वसीयत में क्या लिखवाएंगे सुबह? बाबा मेरे को तो जो जो चाहिए था मैंने लिस्ट में सब कुछ लिख दिया। बाबा लिस्ट बना कर देती है? दी मुझे भी बताती ना, मैं भी एक लिस्ट बना के दे देता। अरे बाबा आप ले चुके हो, अब वो सुबह वकील जो है ना वसीयत लेके आ जाएगा। क्या? अरे हाँ ना, वो जानी जो है ना बाबा साईं को वकील के पास लेके गया था, वो कल तैयार करके ले आएगा। लेकिन बाबा साईं को तैयार करके क्यों लाएगा बाबा? अरे अदा, वो कल वसीयत तैयार करके लेकर आएगा, वो वकील है, किसी पार्लर की फरजाना खाला नहीं है। अरे बाबा, फरजाना ने पार्लर खोल लिया है? अरे बाबा मजाक तो समझा करो। अरे क्या करूं, जब से शादी हुई है ना तब से मजाक बनने की आदत हो गई है। किसी ने कहा था कि जोरू का गुलाम बनो? अदी तू तो चुप कर ना, तूने लिस्ट में मेरा नाम तो डाला नहीं होगा कि अदा को भी कुछ दिलवा दूं। तुम सब अपनी बीबी के नाम दोगे तो फायदा? अरे सही, आपने वसीयत उल्टी पकड़ी हुई है। वाह। ये वकील बाबा, वाह 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 वाह, आपने वसीयत तो ऐसे लिखी है जैसे राइटर हो तुम। अरे आपको कैसे पता चला? किस बात का? सब बातें छोड़े, सब बातें छोड़े, ये ले वसीयत पे दस्तखत करिए। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे ये सीन कब शुरू होगा? भाई सीन शुरू है, तू टेंशन मत ले, फोकस कर, फोकस। अरे बाबा कौन सा सीन? अरे भाई फजूल में वक्त जाया ना करे, दस्तखत करे वसीयत पे, दस्तखत। अरे भाई मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अरे बाबा मेरे को दिखाओ।
अरे पापा ये तो अंग्रेजी में लिखा है। अरे भाई जैसा मैं चाह रहा था ना सब कुछ वैसे ही हो रहा है। जानी सब कुछ मेरे नाम हो गया ना, तुम्हारे नाम कैसे तो और क्या तुम्हारे नाम होगा। गरीब लोगों, जानी साहब को फजूल बात सुनने की आदत नहीं है। जानी साहब, यस आपने सब कुछ मेरे नाम कर दिया है, इसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है वकील बाबा। अरे भाई ड्रामे में बुड्ढा सब कुछ अपने नौकर के नाम करके मरेगा ना। बाबा ड्रामा ये सब क्या है। अरे हाँ ना, ड्रामे की शूटिंग में इसने कहा था कि मालिक मरते मरते सब कुछ अपने नौकर के नाम कर देगा। ड्रामे की शूटिंग नहीं हो रही क्या। अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ मैंने अपने नाम करा लिया। चलो निकले यहाँ से आप। जानी मैं तुम्हारी मैडम हूँ। देखिए स्कूल कॉलेज की मैडम तो हो सकती है लेकिन मेरी नहीं, आज से आप इस घर के नौकर। जानी ये तुमने क्या किया। अरे भाई अब ये सब कुछ मेरा है। हाँ तुम गरीबों को गाँव में जाना होगा तो 200 किराए के लिए चाहिए तो मैं दे दूंगा, नो प्रॉब्लम। जानी तुमने मेरे साथ भी धोखा किया। अच्छा पढ़ ले पढ़ ले, अपने हाथों से इस घर को जाता हुआ देख ले, बल्कि अंग्रेजी में उर्दू में तर्जमा करके सबको बताए। लगता है सदमे से हंसी आ रही है। सदमा तो तुम्हें लगेगा जानी। भला क्यों। इसमें लिखा है कि मैं अपने पूरे होशो हवास में यानी कि मौलादार अपनी जायदाद अपने बच्चों के नाम करता हूँ। वाह ये आया ना ड्रामे में ट्विस्ट। अबे राइटर के बच्चे तूने ये क्या किया ये। अरे यार मैंने सोचा कि ड्रामे में ट्विस्ट डालने के लिए इनकी वसीयत इनके मुताबिक कर देता हूँ। यानी कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। तेरे ट्विस्ट की तो मैं। अबे यार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। भाई अंदर चलते हैं, मुलाजमीन की बदौलत माला माल होते हैं। लेकिन अंदर मेरे को कुछ गड़बड़े लगते हो जी। पता नहीं बाप का घर मूड आ गए चला, पता नहीं क्या करूँ। अरे कितनी बार कहा है कि तुम नींद के नशे में ना रहा करो, बकवास कर रहे हो बाबा। अंकल आप अचानक कैसे। बाबा वो रात को अचानक हशमत ने मुझे फोन किया और जल्दी बुला लिया, कहला जल्दी आ जाओ एक अहम बात करनी है, जिंदगी और मौत का सवाल है बाबा। अच्छा जी एक दफा फिर बकरा बनाने का इरादा है मेरा दांत। या अल्लाह ये दिन भी देख रहा था, शोहर को पागल करने की उम्र में बिचारी खुद कुंवारी पागल हो गई। और तुम भी ये दादा बनने की उम्र में ना आधी नेकर पे नेकर हमारे घर में नौकर बन के खड़े हुए हो। जब भी लिया उधार लिया, इसीलिए हम सब कुछ मौला दाद के नाम करता जी। सब कुछ सब कुछ। हशमत मिल्क फैक्ट्री के ऑनर आप ही हैं ना। अरे बाबा हमारे अलावा और हो कौन सकता है। हाँ मुझे लगता है अपनी कोई मुसीबत जो है ना वो बाबा सही के गले में डाल रहे हैं। तो मानो ना मानो इस बात में जानी भी मिला हुआ है। हाँ बाबा वो आपका वफादार मुलाजिम है ना बरसों पुराना मौला दाद, वो आपकी जगह मालिक बनने का ड्रामा कर रहा है। हाँ बाबा आप बस ऐसे नौकर बन के छुपे रहिएगा बाबा, किसी को पता नहीं चला। तुम्हारे ससुर ने तो मेरे मरने का पूरा बंदोबस्त कर दिया था। बाबा आप फिक्र ना करें, मैं जानी को छोड़ूंगा नहीं बाबा। इम्प्रोवाइज़ी नहीं मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नौकर वो जाकर भी अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा